गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ओवरहेड की ये रेसिप्रोकल मेथड में रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन वाली मेथड है। चलिए करते हैं इसको। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैव थ्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, P2, P3 एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट। ओके, ये सारे इनके खर्चे दे रखे हैं, ये इनके ओवरहेड्स हैं जो और दिए हैं, और ये इनकी एलोकेशन की परसेंटेज है। सो फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स विच इज़ प्रोसेस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन डिपार्टमेंट P1, P2, P3 फॉर 4, 5, 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली गिवन दैट इट्स। अच्छा, ये फिर एक अलग पार्ट है। पहले हम लोग ओवरहेड्स के रेट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद ये दूसरा पार्ट करेंगे। चलिए, सो पहले हम इसको करते हैं। पहले तो ओवरहेड्स की एलोकेशंस करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एंड देन हम लोग कॉस्टिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ जो भी कंपनी है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरर्स। देखिए, यहाँ पर है ओवरहेड का नाम, इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बेसिस, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे हम बेसिस और यहाँ लिखेंगे अमाउंट। ये हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं P1, P2, P3 और ये हमारे सर्विस डिपार्टमेंट हैं S1, S2। ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन में जो दिया है पहले वो लिख लें। डायरेक्ट वेजेस आपकी दे रखी हैं, तो डायरेक्ट वेजेस हम लिख लेते हैं। सो डायरेक्ट वेजेस जो हैं वो प्रोडक्शन वाली डायरेक्ट वेजेस नहीं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट की डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल आपके ओवरहेड्स होते हैं। तो ये आपके 1695 आ गए। इसके बाद अब हम देखते हैं, हमें ये खर्चे दे रखे हैं रेंट, जनरल लाइटिंग, तो ये सारे खर्चे पहले आप लिख ले ओवरहेड्स। रेंट आपका है 5000, ठीक है। फिर आपकी जनरल लाइटिंग है कितनी, 600 रुपये की। इनडायरेक्ट वेजेस हैं 1939 की। पावर दे रखी है हमको 1500 रुपये। डेप्रिशिएशन है 10000 रुपये का। और सन्ड्रीज हमारे हैं 9695। अब इन खर्चों को बांटना है, तो रेंट हम बांटेंगे किसके बेसिस पर, एरिया के बेसिस पर, ठीक है जी। लाइटिंग, क्वेश्चन में लाइट के पॉइंट दे रखे हैं, उस पर बढ़ जाएगी। इनडायरेक्ट वेजेस हम डायरेक्ट वेजेस पे बांट देंगे, ये हॉर्स पावर पर बांट देंगे, ये वैल्यू ऑफ मशीन पे बांट देंगे, ठीक है जी। और सन्ड्रीज के बारे में कुछ नहीं दिया, तो हम डायरेक्ट वेजेस पे बांट। अब देखिए, एरिया दे रखा है क्वेश्चन में, फ्लोर स्पेस 2000, 2500, 3000, 32000 एंड 500। तो अब इसके बेसिस पर आपका रेंट बांट दीजिए। तो रेंट आएगा आपका 5000 है, तो 1000, 1250, 1500, 1000 एंड 250, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कि जो जनरल लाइटिंग है, जनरल लाइटिंग के हम देखें कितने हैं हमारे लाइट पॉइंट, हमें दे रखे हैं 10, 15, 20, 10, 5। ये हमें जनरल लाइटिंग के पॉइंट दे रखे हैं। तो जनरल लाइटिंग के 10 इन पॉइंट के रेशियो में हम जनरल लाइटिंग बांट देते हैं। तो ये हमारी आएगी 100
150, 200, 100 एंड 50, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा इनडायरेक्ट वेजेस का। सो इनडायरेक्ट वेजेस, हमारी वेजेस के रेशियो सबसे पहले ही दे रखा है 3:2:3 वाला, तो उसमें बांट दीजिए, तो दैट कम्स टू 600, 400, 600, 339। चलिए फिर हमारे पास है पावर। पावर हम हॉर्स पावर पे बांट देंगे, सो हॉर्स पावर पे बांटते हैं, तो ये आता है हमारा 600, 300, 500, 100, 10। डेप्रिसिएशन में जो वैल्यू ऑफ मशीनरी दे रखी है उस रेशियो में बांट देंगे, सो ये आएगी हमारी 2400, 3200, 4200 and 200। और ये भी आपका डायरेक्ट वेजेज रेशियो में बांट देंगे, तो गौर से देखें इन सब का टोटल 9695 ही आ रहा है। तो डायरेक्ट वेजेज रेशियो बांटने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वेजेज अमाउंट ही आपकी ये आ जाएगी। ठीक है जी, अब आप टोटल करिए, तो इसका टोटल आएगा 30429, जिसमें से ए का टोटल आया 7700, 7300, 9800, 4700, 929। अब फ्रेंड यहां से हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किसका, ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। अब यहां से सर्विस डिपार्टमेंट के रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पहले हम S1 को बांटते हैं, S1 के ओवरहेड एलोकेट करेंगे हम। तो देखिए S1 का एलोकेशन किस रेशियो में होना है, 20, 30, 40, 10। तो S1 को हम 929 को बटेगा, S1 सॉरी 470 है, तो ये 4700 यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 10% 470 प्लस हो जाएगा, ठीक है जी, और इनमें भी बट जाएगा, तो ये आएगा हमारा 940, 1410, 1880। ठीक है, अब S2 को बांटिए, S2 में अब जो टोटल आएगा वो 1399 हो जाएगा, तो 1399 आप बांटेंगे, इनको 10% मिलेगा, 139.9, ठीक है जी, और इसमें आएगा 559.6, 279.8, 419.7, ठीक है जी। अब दोबारा से S1 को बांटिए, ये तब तक चलता जाना है जब तक ये नेग्लिजिबल ना हो जाए, तब इसमें 139.9 आया था, तो एक तरह से इनको 30.99 मिल जाएगा, 13.99, और यहाँ बटेगा हाउ मच, 5.6, 2.8, 4.2, नहीं 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 ये 5.6 नहीं बटेगा, 139 बांटना है ना, सो ये आएगा हमारा 27.98, 41.97, 55.96, ठीक है जी। अब S2 को बांटिए, तो S2 को करेंगे तो इनका माइनस 13.99 होगा और यहाँ पे 1.39 मिलेगा इन्हें। अब ये 13.99 बटेगा आपका 5.6, 2.8 एंड 4.2। अब हमारा बचा है सिर्फ S1, इसको बांट दीजिए,
एस वन में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 0.28, 0.42, 0.56 माइनस 1.39 और यहाँ पर जाएगा 0.14, ठीक है जी। ये एस टू को फिर से बांट दीजिए। कई लोग यहाँ पर भी कर सकते थे कि हम अब ये हम एस वन में नहीं बांट रहे हैं, इन्हीं तीनों में बांट देते हैं, ठीक है। तो 0.06, 0.04 एंड 0.04। तो अब ये दोनों ख़त्म हो गए, इसका टोटल आएगा 9233.52, 9035.03 एंड 12160.46। ये तीनों डिपार्टमेंट के टोटल आ गए। जो लेबर आवर्स हैं या जो वर्किंग आवर्स हैं क्वेश्चन में दे रखे हैं, क्वेश्चन में ये देखिए क्वेश्चन में दे रखे हैं 3070, 4475 एंड 2419। 3070, 4475, 2419, ठीक है। सो ओवरहेड पर आवर हमारा निकल आया हाउ मच, ये 3 रुपए के आसपास आया, ये 2 रुपए 2 पैसे और ये 5 रुपए 3 पैसे, ठीक है। अब क्वेश्चन में इन्होंने दिया था कि हम एक प्रोडक्ट एक्स बना रहे हैं, उसकी टोटल कॉस्ट निकाल दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास जगह थोड़ी बची है तो हम इसी में बना देते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, डायरेक्ट मटेरियल इन्होंने बोला 50 रुपये का लगा दिया उसमें, डायरेक्ट लेबर लगा दी हमने 30 रुपये की, अब ओवरहेड लगाने हैं तो ये हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। प्रोडक्ट एक्स के लिए ओवरहेड्स, ठीक है जी। क्वेश्चन में दिया है कि P1, P2, P3 में इतने इतने घंटे लगे हुए हैं, P1, P2, P3 में, इसमें 4 आवर्स हैं, इसमें 5 आवर्स हैं, इसमें 3 आवर्स हैं। ये 3 रुपए से, ये 2 रुपए 2 पैसे से और ये 5 रुपए 3 पैसे से। इसके 12 रुपए होते हैं, इसके 10 रुपए 10 होते हैं और इसके 15 रुपए 9 पैसे होते हैं। टोटल करेंगे तो ये आता है 37.19। तो 37.19 आपका ओवरहेड हो गया, तो 117 रुपये 19 पैसे ये आपकी टोटल कॉस्ट हुई है जो बन रही है प्रोडक्ट एक्स की। तो हमने पहले P1, P2, P3 इनके खर्चे एलोकेट करके पर आवर के रेट निकाल लिए और वो रेट हमने अप्लाई कर दिए प्रोडक्ट एक्स पर, ठीक है। समझ आ गया, थैंक यू।